नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं प्रमीर सिंह। बिहार उपचुनाव के रिजल्ट आज आने वाले हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बैलेट पेपर के जो वोट हैं उसे गिने जा रहे हैं और इस गिनती में जो है RJD आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज में बैलेट पेपर की गिनती में RJD जो है आगे चल रही है। BJP दूसरे नंबर पे है और BSP तीसरे नंबर पे है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज में राजद के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता पहले बैलेट पेपर की गिनती में आगे चल रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। वहीं BJP की जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पे है। आपको बता दें कि गोपालगंज में मतगणना शुरू हो गया है। राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता आगे हैं, बैलेट मत की गिनती में आगे चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी पीछे चल रही हैं। वहीं अगर मोकामा की बात करें तो मोकामा विधानसभा उपचुनाव की वोटों की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक रुझान सामने नहीं आए हैं। लेकिन देखिए, राजद के लिए बड़ी खबर है गोपालगंज में जो है राजद के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। गोपालगंज में वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। खुद गोपालगंज के DM ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया है। इसके अलावा जो है मोकामा का वोटों की जो गिनती है वो पटना के आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में चल रही है। तो देखिए, ये बड़ी खबर है कि गोपालगंज में RJD के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे हैं बैलेट पेपर की गिनती। आपको बता दें कि गोपालगंज में कुल 14 टेबल बनाए गए हैं जहां 24 राउंड में मतों की गिनती होगी। वर्जगिरी के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहीं अगर बात करें मोकामा की तो मोकामा में वोटों की गिनती को लेकर जो है कुल 14 टेबल बनाए गए हैं और यहां पर 22 राउंड में जो है वोटों की गिनती की जाएगी। अभी जो है बैलेट पेपर की गिनती हो रही है और इस गिनती में गोपालगंज से राजद के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। BJP जो है पीछे है और सबसे पीछे BSP है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि गोपालगंज और मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव हुआ है जिसका रिजल्ट आज आ रहा है। आज वोटों की गिनती हो रही है। तो जितने भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थक जो हैं मतदान गणना केंद्रों पर पहुँचे हुए हैं ताकि वो अपने प्रत्याशी को अपडेट रखे। इसके अलावा समर्थक भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन इस वक्त राजद के लिए बड़ी खबर है कि मोकामा में बैलेट पेपर की गिनती में गोपालगंज के प्रत्याशी आगे चल रही है। बड़ी खबर है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। बिहार इन शॉर्ट्स आपको बिहार उपचुनाव रिजल्ट को लेकर हर वक्त अपडेट करता रहेगा। इसलिए अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर लें। धन्यवाद।